like to thanks, extremely thanks and grateful to Professor Rashid Nihal sir for your valuable opinion, thoughts. And I want to request our foreign expert Dr. Premlata Vaishnava to give memento Professor Rashid Nihal sir. Please ma'am, come up. And I request to Professor Rashid Nihal sir to give memento Mohammad Rafiq sir. Please. मित्रों, दोस्तों, आज हमारा ये जो सत्र था समतुल्यता का सिद्धांत जो अनुवाद क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और उस पर हमें लगता है कि सर ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सिस्टमैटिक व्यवस्थित ढंग से उस पर चर्चा की और आप सभी ने उसमें बाकायदा अपनी भूमिका निभाई, सवालात भी हुए, कुछ नई चीज़ें भी हमने उस पर सोची। तो ये अनुवाद का जो विषय था, जो आज सर को हमने प्रस्तावित जो विषय था, तो अनुवाद करते समय जो अनुवाद की जो प्रक्रिया है वो समतुल्यता सिद्धांत के बगैर उसे वो पूरी हो नहीं सकती है। जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद की प्रक्रिया विभिन्न सोपानों से होकर गुजरती है, जिसमें पठन, अध्ययन, चिंतन, मनन, फिर अनुवाद, फिर विश्लेषण, फिर तुलनात्मक तुलना करना, जो स्रोत भाषा की जो सामग्री को है आपने लक्ष्य भाषा में कहाँ तक उसके अर्थ के समीप आप ला सकें, उसमें कितना जो है सफल हुए। जैसे सर ने कहा तो विभिन्न अर्थ छवियों को जो है देखना पड़ता है कि किस सेंस में जो है शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे कभी कभी हमने जैसे कोई सेंटेंस कहा काव्यशास्त्र की पुस्तक में शब्द शक्तियों को समझाते हुए एक लाइन है कि मेरा घर गंगा पर है, आप सभी ने पढ़ा होगा जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो मेरा घर गंगा पर है तो उससे क्या मतलब निकलेंगे, सब अलग अलग बताएगा कोई? गंगा के किनारे है। अल्पना, मेरा घर गंगा पर है क्या मतलब हुआ? गंगा के किनारे है, गंगा के समीप है। और ये एक अविदा अर्थ निकाला आपने, गंगा के ऊपर पानी के ऊपर तो घर नहीं बन सकता ना, गंगा पर है ये एक अविदा अर्थ हुआ। फिर लक्षण और व्यंजना शब्द शक्तियाँ भी चलती हैं। दूसरा अर्थ आप ये भी निकालेंगे कि मेरा घर बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, ऐसा लगता है जैसे गंगा पर घर है। फिर तीसरा अर्थ आप ये भी निकालेंगे कि उसमें बहुत ही पावनता है, पवित्रता है, जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो और इसके अलावा और भी कई अर्थ छवियाँ ध्वनित हो सकती हैं और आप विभिन्न शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुत सारे अर्थ उसमें निकाल सकते हैं। तो हाँ, ये भी निकल सकता है। जैसे जी जी जैसे बिल्कुल जैसे सर ने कहा ना कि राम ने शेर को मारा, एक उदाहरण दिया था। तो स्थान के साथ, समय के साथ अर्थ बदलते रहते हैं और नए नए अर्थ जुड़ते रहते हैं और सबका अपना अपना माइंड होता है, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसका अर्थ देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारा जो सत्र था अनुवाद क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें वैश्विक स्तर पर रोजगार की संभावनाएं हैं, जिसको हमारे यहाँ उतना अभी और उतना ध्यान नहीं, इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और छात्रों को और जो भी प्रतिभागी हैं, आप भी कहें दूसरों से कि इससे जुड़ें और अनुवाद विषय लें। हमारे यहाँ एमए ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है तो संख्या बहुत कम रहती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है, इसमें तो कई भाषाएं चलती हैं, तो आप एमए ट्रांसलेशन करिए, हिंदी से करिए, इंग्लिश से करिए, जहाँ जहाँ भी, तो इसमें आपको वैश्विक स्तर पर कई रोजगार की संभावनाएं हैं। तो आपको इससे जुड़ना चाहिए और उसकी महत्ता को सही मायने में समझना चाहिए और जो कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभानी चाहिए।
और सबको अपनी एक जिम्मेदारी समझनी भी चाहिए। अब इस सत्र को एक तरह से आज समाप्ति की घोषणा है। अभी हम लोग चाय पर चलेंगे, उसके बाद थोड़ा ट्यूटोरियल पीरियड है, कुछ वर्कशीट वगैरह हैं वो आपसे होंगी। मगर मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इस सभागार में आप आए और हमारे वक्ताओं को सुना और कुछ सीखा और हमें प्रेरणा भी ली, कुछ उत्साहित भी हुए, कुछ नए दृष्टिकोण भी हमें मिले जो हम आगे जाके अपने जो लेख लिखेंगे या जो है उसमें हम वाकई इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब जाते जाते बस यही है, मुझे लग रहा है कि आज लास्ट सत्र है, तो लग नहीं रहा था कितनी जल्दी गुजर जाएगा ये वक्त। तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफ़र ये 5 दिन का ही था, लेकिन बस अब एक याद में सिमट जाएगा। कुछ अनकहे से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी, कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ जुड़कर फेसबुक और ट्विटर पर मिलने तक रह जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े, और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही हमसे आगे भी जुड़े रहें। कितनी औरत थी जो अपना सर्वस्व गवाई थी, कितने थे बच्चे जो अनाथ हैं। लौटे हो, हाँ लौटे हो तुम, तब क्या दीप जलाऊं मैं। तुम कितने थी जाकर लौटे थे, दीप जले थे जब तुम लौटे। रक्त मरंजित मिट्टी देखो, चीतकारें गूंज रही गगन में, बालक बिलक बिलक है रोते, कोई न समाधान जगत में। और तुम्हारी एक थी सीता, और तुम कितनी सीताएं मिटा के लौटे थे, और दीप जले थे जब तुम लौटे थे। एक बार आकर बतला दो वहाँ सीता पर शब्द कर ले। तो मैम ने उसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया है, तो वो आप मुझे अगर मालूम होता तो मैं होमवर्क में इसको सजा संवार के लाती, मुझे पता ही नहीं था ऐसे पकड़ी जाऊंगी। बहुत खूबसूरत नज़्म थी सुनील जी की, और यहाँ तो तुकबंदी की है मैंने, वही पेश है तुकबंदी। तुम्हारे आने पर चरागा हुआ था, लेकिन एक मर्तबा वापस आकर ये तो बताओ, चिता में कितनी लाशें नज़रें आतिश हुई, और कितनी औरतों की इज्जत जंग में पामाल हुई, कितने तिफल यतीम कहलाने लगे। तुम्हारी वापसी पर मैं क्यों चरागा करूँ, तुम कितने चराग गुल करके लौटे थे। खून में भीगी हुई मिट्टी को देखो, चीखें आसमान में गूंज रही थीं, बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे, और दुनिया में कोई हल ना था। तुम्हारी एक सीता थी, तुम कितनी सीताएं मिटा कर लौटे थे। तुम्हारी वापसी पर चरागा हुआ था। शुक्रिया। मेरा हिंदी में हाथ बहुत तंग है, वैसे तो उर्दू में भी कोई खास खुला हुआ नहीं है। हिंदी वाला था, पंचवटी का प्रहरी से लिया गया था, और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि किसी क्लास में, थर्ड फोर्थ क्लास में या हमारे कोर्स में थी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अग्नि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रय की नोकों से, मानो झूम रहे हैं त्रवर मन पवन के झोंकों से। और मैंने किया था, और इसका नज़्म से नसर में हुआ था, नज़्म से नज़्म में नहीं हो पाया था, कोशिश की कि कुछ मिसरा वज़न में हो। दिलकश चांद की शोक किरणें बहरूबर में खेल रही थी, ज़मीन आसमान की तहों में चमकती चांदनी बिछी हुई थी, ज़मीन अपनी मसरत का इजहार अपनी हरियाली की नोकों से कर रही थी, यानी ज़मीन सब्ज़ाज़ार में तब्दील हो गई थी, गोया पेड़ अपनी मसरत के इजहार के लिए झूम रहे थे। शुक्रिया। इसी को प्रोफेसर नाजिया ने इंग्लिश में भी किया था, इसका कोई है नहीं ना, आने वाली है। सर सर्टिफिकेट
नवीन की अवधि की कविता से महसूस हो लिया है कल गुरुपा नवीन अवधि ने जो तुमने सुनाई थी ख्याल वाली बस वो ही थी रेल यात्रा या प्रेम प्रेम प्रस्ताव अच्छा एक कविता प्रेम प्रस्ताव लिखी थी ये 2014 में लिखी थी शायद कोशिश करेंगे शायद पसंद आए यह मन से देव निकाल प्रिय बहुते बुरा ख्याल प्रिय यही के खातिर कितने राजा लड़िमर करके छितराए गए कितने आशिक बउराए गए कितने आशिक सुधियाए गए ई मरज लगा के का हुई है पूछो ना यही के हाल प्रिय यह मन से देव निकाल प्रिय बहुते बुरा ख्याल प्रिय कितने प्रेमी मजनू हो गए कितने रांझा रंझवाए गए एहमा कुछ तो शायर हो गए कुछ जंगल में सधुआए गए कुछ कुछ के हमका खबर है कुछ जाने कहाँ बिलाए गए ई आग के दरिया है बच्चा एक बाबा हमें बताए गए जो भूल के हमा कूद गयो ढूंढे ना मिली है बाल प्रिय यह मन से देव निकाल प्रिय बहुते बुरा ख्याल प्रिय हम सुने वैद्य जी कहत रहे ई मरज के कौनो इलाज नहीं जेहके दिल माई घर कहीगा केहू से ओका लाज नहीं ओके खातिर रिश्ता नाता और कौनो गांव समाज नहीं कौनो बंधन ओके खातिर और कौनो रीति रिवाज नहीं जो यही के रोगी हो जाबे तो हुई है रोज बवाल प्रिय यह मन से देव निकाल प्रिय बहुते बुरा ख्याल प्रिय रहीमन बाबा तो हम सबका एक नोखी बात बताए गए कि बिना गांठ के ना जुड़ी हैं जो धागा ऊ चटकाए गए इस 60 गांठ के चक्कर माँ कितने नायक बन छाए गए कुछ काल चक्र के फेरे माँ नालायक बन छितराए गए गांठी अपनों ना खुल जाए बस मनमा यह सवाल प्रिय यह मन से देव निकाल प्रिय बहुते बुरा ख्याल प्रिय एक और मुसीबत है हेमा एक और मुसीबत है हेमा मेले से जो उन रुकावत है मुद्रा नाम के रक्षसवा बहुरूप धरे डरुआवत है जेके पास रहा थे ही दुनिया का अपनावत है जेके पास न मुद्रा है घरवालों दूर भगावत है ई सोच करे जा कापत है छोड़ो ई सब जंजाल प्रिय तुम तो हो माला माल प्रिय हम चौतरफा कंगाल प्रिय यह मन से देव निकाल प्रिय बहुते बुरा ख्याल प्रिय आखिरी बंद अब जो होई देखा जाई ई हमहू मनमा ठान लिया सहर्ष कबूल हवे तुम्हारा निवेदन हमहू मान लिया पर बहुत बुरा हो जाई तब जब धोखा देबू जान लिया हम तुर्रम खा के घर से हैं तुम अच्छे से पहचान लिया ई सब तो अब तक ठीक है पर मनमा एक सवाल प्रिय बप्पा का तोहरे पता चली ढोड़ा पर धरिए नाल प्रिय तब का होई हाल प्रिय बहुत ही बुरा ख्याल प्रिय अगर पसंद आई तो एक रेल यात्रा एक छोटी सी कविता है अवधि में ही सर नई दिल्ली से लखनऊ एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उस दौरान एक प्रतीक्षारत सहयात्री को अपनी शायिका पर आश्रय दिया किंतु गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व उसने मुझे ही आश्रयहीन कर दिया तो उसी घटना पर आधारित ये कविता है रेल यात्रा बड़की राजधानी से छोटकी राजधानी एक दिन जात रहन बड़की राजधानी से छोटकी राजधानी एक दिन जात रहन लखनऊ मेल के शयन यान मा एक सीट प्रभु इजात के हिन तो ऊपर वाली बर्थ पे जो हम बैठ के सीना तान लिया नीचे बैठे वेटिंग वाले के भाव का हम पहचान लिया ओके निगाह से गिड़गिड़ाए के आहट हमका जान परी मनमा बोले हे कृपा सिंधु कैसी विविधा आन परी दिल दिमाग का पार्थ सारथी मान के कुछ अनुमान करी या अपने सुख के बोनस तजीनहू के सफर आसान करी त जैसे सारथ नंदलाल के बातन से पारथ का धर्म के ज्ञान भवा वैसे ही दिल की बतियन से दिमाग का कुछ कुछ भान भवा दुइनों सदनन से पास हो जब विधेयक लागू करवावा हम पूर्ण इशारा कई न सका उतने में ऊपर चढ़ियावा तब आपन सीमा निर्धारित कह उन्हू के हद बतलाए दीन माना तुम बहुत पुराए अठो तो हमहू का ना समझो नवीन हलकों के लिए हम हलके हैं भारी के लिए हम भारी हैं जितने अच्छे उपकारी हैं उतने ही अत्याचारी हैं कुछ देर तो ही भौकाल रहा कुछ देर तो ही भौकाल रहा पर जैसे ही रात्रि विकट भई निद्रा रानी बिस्तर लेके ओके मुहुआ पर प्रकट भई ट्यूमर की नाई बढ़त बढ़त तू फैल के गुब्बारा होएगा
ट्यूमर की नाई बढ़त बढ़त ऊ फैल के गुब्बारा होइगा, अपने ही बर्थ में व्यर्थ में मन सिकुड़ के छुआरा होइगा। ओका देखे से लगा हमें बाबा जी के भी गुरु होइगा, दो चार मिनट के अंदर ही सब प्राणायाम शुरू होइगा। वज्रासन पद्मासन जाने कितने आसन दिखलाए दिस, अनुलोम विलोम के चक्कर में कितनों का हुआ जगाए दिस। ओके खर्राटा सुन सुन के कितने पैसेंजर जाग गए, जो रहे धुरंधर टिके रहे, मुर्दार रहे जो भाग गए। ओका तो जगावे के खातिर हमहू कितने न उपाय किया, अपने टुनटुनवा के देखो सारा रिंग टोन बजाए दिया। लेकिन जब हम जान गए कौनों विध से ही ना मानी, अपने ही बिस्तर पे देखो सोवे के सुख हम का जानी। तो टेढ़े मेढ़े बैठे से जब नीचे आवा तो होश मिला, उन्हों का तसल्ली मिली और हमहू का तब संतोष मिला। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।